हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लिम्फोसिट्स का कम होना। आपने जनरली देखा होगा लिम्फोसिट्स ज़्यादा हो जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं शरीर में, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पेशेंट की लिम्फोसिट्स कम हो रही हैं। अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट्स कराया हुआ है तो सीबीसी रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा लिम्फोसिट्स। ठीक है, लिम्फोसिट्स होता क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही छोटा वीडियो है, आपके काम का, बहुत ज़्यादा काम का ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो भी आपके डाउट्स हैं लिम्फोसिट्स से रिलेटेड, कम होना, ज़्यादा होना, सारे हम इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं लिम्फोसिट्स होता क्या है। लिम्फोसिट्स हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के वह सेल्स होते हैं, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो ये ख़त्म कर देते हैं उसे, यानी कि सोल्जर्स हैं, यानी कि ये हमारे चौकीदार हैं, ये हमारे गार्ड हैं। ओके, तो लिम्फोसिट्स यानी कि हमारे गार्ड हैं, हमारे गेट पे कोई भी ज़बरदस्ती से घुसने की कोशिश करेगा तो ये इसे ख़त्म कर देंगे, राइट। तो लिम्फोसिट्स का काम क्या है, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में घुसता है उसे ख़त्म करना लिम्फोसिट्स का काम है। लिम्फोसिट्स मोस्टली दो तरह के पाए जाते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, लेकिन इसमें एक प्रकार और होता है जिसे हम एन के सेल्स कहते हैं। एन के सेल्स का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तीनों सेल्स का काम अलग अलग है। ओके, बट यहाँ पर लिम्फोसिट्स लो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आपकी रिपोर्ट्स में अगर लिम्फोसिट्स कम आया है तो आपको क्या बीमारी हो सकती है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिम्फोसिट्स आपका कम क्यों हुआ। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लिम्फोसिट्स कम हो जाता है आपके ब्लड में, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आप दवाइयां खाते हैं उसकी वजह से भी लिम्फोसिट्स कम हो जाता है। यानी कि कई ऐसी बीमारियों में जो आप रेगुलर दवाइयां खाते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस प्रकार की दवाई खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका लिम्फोसिट्स जो है खून में कम हो जाता है, और आप घबराने लगते हैं कि हमारा लिम्फोसिट्स क्यों कम हुआ, आपके डॉक्टर ने नहीं बताया या फिर आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं दिखाई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कारण से लिम्फोसिट्स कम हो रही है। सबसे पहला कारण होता है एक्यूट इन्फेक्शन। देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन, मोस्ट क्या एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हाल ही में बहुत सीवियर, बहुत हैवी इन्फेक्शन आपके शरीर में घुसा है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर 10 लोग हैं और मेरे यहाँ पर 10 लोगों के पास डंडे हैं, और अगर मान लीजिए मेरे सामने अगर 20 लोग आ जाते हैं, 40 लोग आ जाते हैं, तो वो 40 लोग हम 10 लोगों को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ठोकाई लगा देंगे, है ना। तो हम क्या है, वहाँ पर वीक हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 4 को उन्होंने अच्छे से ठोक दिया, ठीक है, 2 को उन्होंने अच्छे से ठोक दिया, तो हम कितने बचे 10 में से, है ना, 4 बचे, 2 बचे, 1 बचे। तो इसी तरीके से लिम्फोसिट्स हमारी जब ख़त्म होने लगती है, डेड होने लगती हैं, यानी कि इन्फेक्शन इसे ख़त्म कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण भी कम हो सकती है। दूसरा, हो सकता है आपका शरीर इसे बना ही नहीं रहा हो, शरीर नहीं बना रहा हो, यानी कि आपकी बोन मैरो से इसका प्रोडक्शन होता है, प्रिकर्सर सेल्स जो होती हैं, मैं उसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबी कहानी है। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर आपकी बोन मैरो ही अगर ब्लड को, यानी कि लिम्फोसिट्स को बनाना बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दिक्कत आएगी, ऐसी कंडीशन में भी ये कम हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कारण हो सकता है, इसके बाद कारण हो सकता है ऐसी दवाइयाँ जो आप सेवन करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम किस प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं, और वो आपकी लिम्फोसिट्स को कम कर सकती है। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयाँ, जो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयाँ, इनकी वजह से भी आपकी लिम्फोसिट्स शरीर में कम आ सकती है। इसके अलावा क्या इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिम्फोसिट्स आपकी कम होती है, स्पेशली इम्यूनिटी, आपकी सारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ब्लड की जितनी भी फाइटिंग सेल्स होती हैं मोस्टली वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, लेकिन लिम्फोसिट्स बहुत ज़्यादा कम एड्स के मरीज में देखने को मिलती हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट्स अगर करवाई है सीबीसी किसी पेशेंट की, अगर उसको एड्स है तो लिम्फोसिट्स उसकी कम आएंगी और इम्यूनिटी उसकी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको सारे के सारे सिम्टम्स और कई सारी बीमारियां उसको एक साथ में देखने को मिल जाती हैं। तो हमने क्या क्या समझा, सबसे पहला मोस्ट एक्यूट इन्फेक्शन में
लिम्फोसिट्स कम हो सकती हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन एकदम से हुआ है इसकी वजह से लिम्फोसिट कम हो सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयाँ लंबे समय से अगर आप लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, ऐसी कंडीशन में भी आपकी लिम्फोसिट्स कम हो सकती हैं। दूसरा, रेडिएशन थेरेपी, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आपकी लिम्फोसिट्स कम होती हैं। या फिर सीवियर वॉन मेरो फेल्यूर, यानी कि आपकी वॉन यानी कि आपकी हड्डी ही लिम्फोसिट्स को नहीं बना रही हो, या फिर इसके अलावा होता है एड्स जैसी बीमारियाँ, एड्स जैसी बीमारियों में भी आपके लिम्फोसिट्स कम हो जाते हैं। या फिर हॉस्किन डिसीज, हॉस्किन डिसीज लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फ नोड्स जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की एक बीमारी होती है, कैंसर टाइप का होता है, तो हॉस्किन डिसीज में भी लिम्फोसिट्स आपकी कम हो जाती हैं। माल न्यूट्रिशन, जिन पेशेंट को माल न्यूट्रिशन होता है ऐसी पेशेंट को भी लिम्फोसिट की कमी देखने को मिल सकती है। ये कुछ कारण, मोस्ट कॉमन कारण है जो लिम्फोसिट्स को कम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।